इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तीन प्लॉट के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तीन प्लॉट के बारे में जानकारी दूंगा, 125 गज, 50 गज और 50 गज। तीनों बहुत ही बेहतरीन प्रीमियम प्लॉट्स हैं दोस्तों। जिस भी भाई को लेना हो तो पूरा वीडियो को जरूर देखे दोस्तों। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी उसके प्लॉट के साइज, रेट, पेपर्स, डॉक्यूमेंट, सब कुछ की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। तो हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, हम लोग अभी चले हैं द्वारका मोड़ से, हम लोग नंगली मेट्रो की साइड को जा रहे हैं। तो ये आपकी मेट्रो स्टेशन की मेट्रो की रोड आ जाती है, थोड़ा सा हम लोग जैसे ही आगे जाते हैं तो वो तो ये हम लोग यहाँ से बिल्कुल सीधे जाएंगे दोस्तों। सीधे जाने के बाद में हम लोग अभी जाएंगे 125 गज के एल कॉर्नर प्लॉट्स के लिए, एल कॉर्नर प्लॉट के लिए दोस्तों, जिसका साइज़ भी बहुत ही बेहतरीन है। और दो साइड रोड जो हैं दोस्तों वो भी बहुत ही अच्छी रोड हैं। दोनों साइड रोड दोस्तों 20 फुट और 20 फुट से ऊपर की रोड हैं ये दोनों। एल कॉर्नर प्लॉट है दोस्तों, एल कॉर्नर में भी साइज़ भी आई थिंक थोड़ा बहुत रफ हो सकता है, क्योंकि साइज़ एक्यूरेसी पे पेपर्स में चेक करेंगे तभी पता चलेगा। तो इसका साइज़ बनेगा अप्रोक्सीमेटली 22 या 25 बाई आपका, बाकी की सारी ही चौड़ाई है दोस्तों इसमें। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों, नज़दीक पहुंच चुके हैं रेड लाइट पे। अब लोग हम लोग रेड लाइट क्रॉस करेंगे और हम लोग प्लॉट के पास पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों ये रेड लाइट है। अब मैं यहाँ के बारे में पेपर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। एरिया पास है, पास सोसाइटी है, पास एरिया है, परंतु पुराने लोगों ने अपने पेपर्स अभी जीपीए पे ही छोड़े हुए हैं। अगर कोई भी पर्सन अगर चाहता है कि भाई उसके पेपर जीपीए के जीपीए से अलावा उसके पेपर रजिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाए तो वो करवा सकता है। तो यहाँ पर ये एरिया पास एरिया है, तो पास एरिया होने के कारण वो अपने पेपर्स को अपने रजिस्ट्री में कन्वर्ट करा सकता है। बहुत ही अच्छे फ्लैट नुमा बिल्डिंग्स यहाँ पर पूरी बनी हुए हैं, कई कई फ्लोर आपके पूरे बने। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तीन प्लॉट के बारे में जानकारी दूंगा, 125 गज, 50 गज और 50 गज। तीनों बहुत ही बेहतरीन प्रीमियम प्लॉट्स हैं दोस्तों। जिस भी भाई को लेना हो तो पूरा वीडियो को जरूर देखे दोस्तों। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी उसके प्लॉट के साइज़, रेट, पेपर्स, डॉक्यूमेंट, सब कुछ की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। तो हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, हम लोग अभी चले हैं द्वारका मोड़ से, हम लोग नंगली मेट्रो की साइड को जा रहे हैं। तो ये आपकी मेट्रो स्टेशन की मेट्रो की रोड आ जाती है, थोड़ा सा हम लोग जैसे ही आगे जाते हैं तो वो तो ये हम लोग यहाँ से बिल्कुल सीधे जाएंगे दोस्तों। सीधे जाने के बाद में हम लोग अभी जाएंगे 125 गज के एल कॉर्नर प्लॉट्स के लिए, एल कॉर्नर प्लॉट के लिए दोस्तों, जिसका साइज़ भी बहुत ही बेहतरीन है। और दो साइड रोड जो हैं दोस्तों वो भी बहुत ही अच्छी रोड हैं। दोनों साइड रोड दोस्तों 20 फुट और 20 फुट से ऊपर की रोड हैं ये दोनों। एल कॉर्नर प्लॉट है दोस्तों, एल कॉर्नर में भी साइज़ भी आई थिंक थोड़ा बहुत रफ हो सकता है, क्योंकि साइज़ एक्यूरेसी पे पेपर्स में चेक करेंगे तभी पता चलेगा। तो इसका साइज़ बनेगा अप्रोक्सीमेटली 22 या 25 बाई आपका, बाकी की सारी ही चौड़ाई है दोस्तों इसमें। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों, नज़दीक पहुंच चुके हैं रेड लाइट पे। अब लोग हम लोग रेड लाइट क्रॉस करेंगे और हम लोग प्लॉट के पास पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों ये रेड लाइट है। अब मैं यहाँ के बारे में पेपर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। एरिया पास है, पास सोसाइटी है, पास एरिया है, परंतु पुराने लोगों ने अपने पेपर्स अभी जीपीए पे ही छोड़े हुए हैं। अगर कोई भी पर्सन अगर चाहता है कि भाई उसके पेपर जीपीए के जीपीए से अलावा उसके पेपर रजिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाए तो वो करवा सकता है। तो यहाँ पर ये एरिया पास एरिया है, तो पास एरिया होने के कारण वो अपने पेपर्स को अपने रजिस्ट्री में कन्वर्ट करा सकता है। बहुत ही अच्छे फ्लैट नुमा बिल्डिंग्स यहाँ पर पूरी बनी हुई हैं, पूरे बहुत आपको मैं पूरे जो वीडियो में दिखाऊंगा यहाँ पर पूरे फ्लैट टाइप के बने हुए हैं, कई कई फ्लोर आपके पूरे बने हुए और फ्लोर वाइज भी यहाँ पर गया हुआ है पूरा। इस हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों, मैं आपको जो फ्लैट्स की बात कर रहा था आप ये देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग्स। ये प्लॉट के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग है दोस्तों, सामने ही बिल्डिंग है। ये पूरा एक रोड ये लगेगा, एक रोड दूसरा लगेगा। ये जो आप साइड में जगह देख रहे हैं ये ही प्लॉट है दोस्तों। ये वाला आपका जो बड़ा प्लॉट दिखा रहा था उसी के बिल्कुल सामने ही ये वाला प्लॉट है। ये गहराई से जिस प्लॉट के एंड प्लॉट तक देख रहे हैं, मकान तक देख रहे हैं, वहां से स्टार्ट होता है और बाहर मेन रोड तक, इस रोड तक आता है जहां तक बाइक है। ये बाइक खड़ी है, यहाँ पर खंभा भी लगा हुआ है। यहीं तक का ये पूरा प्लॉट है दोस्तों।
आप इस साइड से फिर मैं दिखा देता हूँ, ये आपका पूरा स्टार्ट होता है, ये वाली रोड लगेगी, ये भी लगभग 20 फुट से ज़्यादा ही है, और जो ये वाली रोड है ये भी 20 फुट से बड़ी रोड है दोस्तों। मैं रोड का दूसरी साइड का दिखा देता हूँ, ये वाला पूरा पोर्शन रहने वाला है। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों कितना बहुत ही अच्छी सोसाइटी में अच्छी लोकेशन पे आपको ये प्लॉट मिलता है। इसके अभी जो पेपर्स हैं दोस्तों जीपीए के पेपर्स हैं, इसमें लगभग लगभग जो आस्किंग है 1 लाख रुपीज पर गज की उसकी ओनर की आस्किंग है, और उसमें जो भी होगा वो बैठ के डिस्काउंट किया जा सकता है। सामने आप देख सकते हैं मेट्रो की लाइन है, तो ज़्यादा दूर मेट्रो भी नहीं है, बस स्टैंड तो बहुत ही नज़दीक है। बस स्टैंड तो ऐसा है कि घर से निकलेंगे आपको बस मिल जाएगी, कहीं की भी उत्तम नगर की कहीं की भी बस मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आप पूरा आप देख पाएंगे, ये पूरे जो जो पर्सन जैसे ले भी रहे हैं तो अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह उनकी सबकी चल रही हैं, बिल्डिंग्स बने जा रही हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़े दिन में यहाँ पर कोई भी प्लॉट नहीं दिखेगा। ये 125 गज का प्लॉट हमारे पास आया हुआ है, जिस भी भाई को जैसे लेना हो उसको लगता है कि भाई उसे देखना है वो हमें संपर्क कर सकता है, नंबर्स इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। एक की रोड ये लगेगी दोस्तों, ये 22 फुट के आसपास की रोड है, ये 20 फुट की रोड है, तो पिलर खंबे कॉर्नर पे पिलर लगा ही हुआ है, बिजली पानी सीवर सभी तरह की फैसिलिटी ऑलरेडी एरिया में डन है। सारे आप देख सकते हैं सामने के कितने अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, ये सारे मकान पुराने बने हुए हैं और सब में अच्छी तरह से पूरी फैसिलिटी है। कार आप देख पाएंगे सामने कार खड़ी है इस गली में, और उसके बावजूद भी कितना एरिया है, तो इस 20 फुट के आसपास की रोड है, तो एल कॉर्नर में 20 फुट के आसपास की एक साइड की और दूसरी साइड की। आप इसे अलग अलग टुकड़ों में भी ले सकते हैं दोस्तों, इस 125 गज का ये मकान है उसको अगर चाहेंगे तो टुकड़ों में भी ले जाएंगे, और नहीं तो पूरा एक मुश्त भी ले पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं दूसरे प्लॉट की साइड। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा और इसमें दिखा देता हूँ, मैं दूसरे प्लॉट की साइड जा रहा हूँ। इसी एरिया के अंदर एक हमारे पास 50 गज का प्लॉट पड़ा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्लॉट है, 18x25 का प्लॉट है, और साइज उसका है 18x25। आप देख सकते हैं मकान यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, साफ सुथरा एरिया है दोस्तों, वेल सोसाइटी टाइप का एरिया है, जिसको भी जैसे कोई भी रहता है तो अच्छे अच्छी फैमिली और साफ सुथरे एरिया में रह सकता है। ये मैं आपको मैं प्लॉट पे पहुंच चुका हूँ, ये आपका प्लॉट है, इसी से लगता हुआ पूरा प्लॉट है, 18x25 का इसका साइज रहने वाला। 18 का फ्रंट दोस्तों बहुत ही अच्छा फ्रंट होता है 50 गज के लिए, 18 का फ्रंट मिलेगा, 25 की गहराई मिलेगी, और इसमें आपको इसमें 18 में आप ऐसा भी कर सकते हैं एक दुकान के लिए आप छोड़ देते हैं और एक आपका मेन गेट हो जाता है जिससे एंट्री किया जाए। तो ये दोनों चीजों के लिए 18 साइज बहुत ही फ्रंट में, मतलब 50 गज में 18 साइज मिलना एक बहुत ही अच्छा प्लॉट में माना जाता है दोस्तों, जो आपको यहाँ मिल रहा है। सेम उसी लोकेशन पे हमारी इसी ये अगली गली में, अभी मैंने 125 गज दिखाया, सेम उससे पहले वाली गली में ये हमारे पास 18x25 का आपका प्लॉट पड़ा है। ये भी कोई भी भाई ले सकता है, ये भी अभी जीपीए पे है और आने वाले टाइम में ये एरिया पास है, तो वो आने वाले टाइम में अपना रजिस्ट्री वगैरह करा सकता है, बिजली पानी वगैरह सब कुछ आया हुआ है, सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। जो भी भाई देखना चाहता है जैसे पेपर डॉक्यूमेंट देखना चाहेगा तो वो क्लियर मैं बता देता हूँ। इसका जो रेट है आस्किंग है दोस्तों 50 गज का, ओनर की आस्किंग है 45 लाख की, 45 लाख वो डिमांड कर रहा है लेने बेचने के लिए, बाकी बैठेंगे तो नेगोशिएट हो जाएगा। हम लोग मैं एरिया थोड़ा और दिखा देता हूँ, ये सामने की साइड पे ही कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन अभी कई मंजिल की है दोस्तों, और मैं और थोड़ा एरिया दिखाऊं तो अच्छी खासी कंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ चल रही हैं, फ्लैट नुमा बनने जा रहे हैं, फ्लैट्स टाइप के बनते जा रहे हैं दोस्तों। आप भी लीजिए अपना पूरा अच्छा से मकान बनाइए, सब कुछ बहुत बढ़िया बनेगा, तो ये सब चीजें आप यहाँ कर सकते हैं दोस्तों। आइए अब हम चलते हैं अभी थर्ड प्लॉट की साइड, जो हमारा वो भी 50 गज ही रहने वाला है दोस्तों, आस्किंग कम है उसकी, इनकी आस्किंग ज्यादा थी, तो इसकी आस्किंग